तमिलनाडु के मदुरई में 26 अगस्त को हुए रेल हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में आग लगने से हुआ। घटना सुबह 5:15 बजे उस वक्त घटी जब यात्री अपने साथ लाए गैस सिलेंडर में कॉफी बना रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और बोगी में आग लग गई। जिस समय हादसा हुआ, कोच मदुरई रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में खड़ा था। हादसे में कम से कम 20 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। रेलवे ने हादसे में मारे गए यात्रियों के घर वालों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कोच में सवार तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो रामेश्वरम जा रहे थे। उनकी बॉडी को मदुरई के सरकारी अस्पताल राजा जी हॉस्पिटल में भेजा गया है। राहत और बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मदुरई जिला कलेक्टर MS संगीता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, आज सुबह करीब 5:30 बजे यहाँ मदुरई रेलवे स्टेशन पर रुके एक कोच में आग लग गई। इसमें उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहे श्रद्धालु सवार थे। जब उन्होंने कॉफी बनाने के लिए गैस चूल्हा जलाया तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अब तक हमने 9 शव निकाले हैं। वहीं दक्षिणी रेलवे के PRO बी गुगनेशन ने बताया कि निजी पार्टी कोच में यात्रियों ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखा था, जिससे कोच में आग लगी। उन्होंने कहा कि इस प्राइवेट कोच को पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस द्वारा 25 अगस्त को नागरकोइल जंक्शन पर जोड़ा गया था और मदुरई पहुंचने के बाद इसे अलग करके मदुरई स्टेशन के पास टेबलिंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया था। रेल मंत्रालय ने भी इस घटना पर बयान जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक इस प्राइवेट कोच में कुछ यात्री अवैध रूप से गैस सिलेंडर लेकर चल रहे थे। आग लगने की सूचना पर कई यात्री कोच से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। यह हादसा उस समय हुआ जब यात्री मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कोच मदुरई रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यार्ड में खड़ा था। घटनास्थल के पास से एक क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर, आलू की एक बोरी और कुछ खाने का सामान मिला है। वहीं ANI की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में से 6 उत्तर प्रदेश के थे। इस कोच में कुल 55 यात्री सवार थे। ये यात्री 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। यात्रियों को ले जाने वाला ये प्राइवेट पार्टी कोच 25 अगस्त को ट्रेन संख्या 16824 कोल्लम चेन्नई एगमोर अनंतपुरी एक्सप्रेस द्वारा चेन्नई लौटने वाला था। इसे फिर चेन्नई से लखनऊ लौटना था। मदुरई रेल हादसे पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। CM योगी ने बताया कि स्थानीय अफसरों और रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर UP के लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। UP सरकार ने हादसे में घायल हुए लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1070 भी जारी किया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अनुराग ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।